माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद माफिया मुख्तार को कब्र में दफन कर दिया गया है। बताते चले कि शनिवार गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया गया। यह जगह वही जगह है जहां उसके वालिद और माँ दफन किए गए हैं। ठीक उन्हीं के बगल में मुख्तार की कब्र खुदी और वहां पे उसको दफन किया गया। गाजीपुर के मुख्तार के पैतृक घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुटी हुई थी। पुलिस ने गाजीपुर में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे, साथ ही साथ जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। वहीं बताते चले कि हजारों की तादाद में लोग मुख्तार के जनाजे में पहुंचे थे। मुख्तार उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। 28 मार्च की रात उसे बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया था पर मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। मुख्तार कई बार कह चुका था कि जेल में उसे मारने की साजिश की जा रही है, उसे जहर दिया जा रहा है। 2.5 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। मुख्तार का शव शुक्रवार की रात 1:15 पर गाजीपुर स्थित पुश्तैनी घर लाया गया। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान कब्रिस्तान में परिवार के अलावा और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मुख्तार अंसारी के तदफीन में शामिल होने के लिए गैंगस्टर राजनेता मरहूम मोहम्मद शाहबुद्दीन का बेटा उसामा गाजीपुर पहुंचा था। उसामा जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित घर भी पहुंचे थे, जहां मुख्तार अंसारी के घर के बाहर कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुख्तार अंसारी का जनाजा निकलने से पहले नमाज पढ़ी गई, उसके बाद अंतिम क्रिया की गई। सुबह करीब 10 बजे नमाज जनाजा होने जाने के बाद उन्हें सुपुत्र के खाक किया गया। बताते चले कि पिता सुभान नल्ला अंसारी की कब्र के ठीक सामने मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी गई है। उससे ठीक बगल में उसके माता जी की कब्र है। यहीं पर उसके दादा और परदाताओं की भी कब्र भी है। मुख्तार अंसारी की इच्छा थी कि वह अपने बुजुर्गों के पास ही दफनाया जाए। मुख्तार अंसारी की कब्र की खुदाई का काम उनके ही भतीजे शोएब अंसारी की निगरानी में किया गया। इसका काम के लिए 3 हिंदू मजदूरों को बुलाया गया, जिनके नाम संजय, गिरधारी और नगीना है। तीनों ही मुख्तार के बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने कब्र खोदने को पैसे नहीं दिए, कहा कि मुख्तार के उन पर काफी एहसान है, इसलिए वो कब्र खोदने के पैसे नहीं लेंगे।